सुप्रीम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुल शान कौमी कॉन्फ्रेंस मजलिस में जो है गाज़ा पर होने वाले जुलम के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस है। आइए देखते हैं इसमें किन किन लोगों ने शिरकत की और किन लोगों ने उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ऐसा है कि ये हमारा अख़लाक़ी फ़र्ज़ था कि गाज़ा के मसले पर हम अपनी राय आवाम के सामने रखते हैं। और एक बात हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, उनके इस बेईमाना मजालिम के खिलाफ इंशाअल्लाह हम लोग बड़े पैमाने पर एनसीपी की तरफ से अभी एक रमजान के बाद रिलीफ भेजने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में प्रफुल्ल भाई ने जयशंकर साहब को जो वजीर खारजा है उनसे बहुत किया है। रमजान बाद हम लोग ईद बात उनसे मिल रहे हैं और अल्लाह रब्बुल वहाँ पर बड़े पैमाने पर रिलीफ भेजने का काम करेंगे। अल्लाह करे कि जल्द ही हालात वहाँ के नॉर्मल होंगे, नॉर्मलाइज हों। वहाँ हालात जब नॉर्मलाइज होंगे तो एनसीपी जो है बिल्कुल गजा वगैरह की रिहेबिलिटेशन में भी हिस्सेदारी लेगी। और हम लोग यकीन जान बड़े पैमाने पर रिलीफ इंशाल्लाह भेज रहे हैं। आज की तारीख का मेरा नहीं कर पाएंगे क्वांटम का, लेकिन हमारे यहाँ एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हम लोगों ने तय किया है कि गजा की आवाम के साथ हम आइडेंटिफाई करें। मौलाना ताहिर एक चेयरमैन स्टेट कमेटी उत्तराखंड, चेयरमैन मदरसा अमीर शरीयत उत्तराखंड। तो मैं आपके आज प्रोग्राम के नज़र आवाज़ सैयद जलाल के डॉक्टर साहब को उनके मालूम को बहुत मुबारकबाद भेजा। उनके रमज़ान मुबारक के इस महीने में और इस माहौल में जो शदीद गर्मी का माहौल था, इस इशू पर इन्होंने कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया, वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसका मकसद ही यही है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसका एक पैगाम पूरी दुनिया में जाए, बिलखसूस उन मजलूम फलस्तीनियों के ताल्लुक से जो बर्बरियत सफाकियत और वहाँ गंदगी हो रही है उसको रोका जाए और पूरी दुनिया के लोगों से कहा जाए कि उसको तमाशाई के तौर पर न देखें बल्कि वो मुआविन बन के खड़े हों इंसानी बुनियादों पर, इंसानी तकाजों की बुनियाद। तो आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि दुनिया के खास तौर पर हम 56-57 जो मुस्लिम ममालिक हैं जो इंतहाई बेहिसी का बेगैरती का शिकार हैं, उनको कम से कम एहसास होना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और वो मजलूमों के साथ, चूँकि इस्लाम ही नहीं बल्कि जो भी इंसान दोस्त दुनिया में है वो सब फलस्तीन के साथ हैं और फलस्तीन के ऐसे माहौल में उनके हकूक के लिए, उनके जुल्म बंद कराने के लिए हमारा दम पूरे तौर पर मुतवज्जे हैं और सब तैयार हैं। और बहुत बढ़िया मुताबिक है जिस तरह से वहाँ पे जुर्म हो रहा है, देख रही है कैसे मारा जा रहा है, अपने इलाकों में काम हो रहा है और कोई इसके लिए हमारे साथ बहुत अच्छा रहने वाले इस तरह से उस पर हमको किसी जाएगा बेहतर रहेगा कि सारे लोग प्रोग्राम रहा। ये ऐसे प्रोग्राम तो अभी तक 150 प्रोग्राम हो जाने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह फिलिस्तीन पे इसराइल के हमले चल रहे हैं वो बहुत ही मतलब दर्दनाक तकलीफ दे घटनाएं हैं जो हो रही हैं। और हमारे 57 ममालिक जो मुस्लिम हैं, कमाल की बात ये है कि वो चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुस्लिम ममालिक को जो फिलिस्तीन पे बच्चों पे औरतों पे जुल्म किए जा रहे हैं, जवान जवान लड़कों को मार दिया जा रहा है और उसके अंदर कोई मुल्क सामने नहीं आता है, कोई बोलता नहीं है। एक ईरान की हम सताइश करते हैं, ईरान की हम तारीफ करते हैं, जो सिर्फ ईरान ही है जो आगे आकर के बोल रहे हैं, बाकी कोई मुल्क नहीं बोल रहा। हमारे सभी ममालिक के लिए शर्म की बात है भाई। हाँ, मुझे बिल्कुल मेजर मैसेज दिया गया है, बहुत अच्छा है। इससे मैसेज से बाई कार्ड अगर हमारी फॉर्म बाई कार्ड करती है इससे उसको उसको बहुत फर्क पड़ेगा चीज़ का। तो भाई पूरे फॉर्म को, पूरे हिंदुस्तान के आवाम मुसलमानों को, क्या पूरे हिंदुस्तान को इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहिए, बाई कार्ड करना चाहिए। सबों ने एक ही बात कही है कि हमारी बात चल रही है, ये जो गड़बड़ियाँ थी रुकनी चाहिए, मासूम पर जो जुल्म हो रहे हैं उसमें जितने मुस्लिम ममालिक खास करें खामोश हैं उनको भी बोलना चाहिए। देखते हैं कि ये बात कब तक चलती है और ये जंग कब बंदी होती है। हम चाहते हैं कि जंग जल्द से सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।